हेलो, आई होप आपको ट्रेनिंग की किट मिल गई होगी और ट्रेनिंग के सारे वीडियोस मिल गए होंगे। अब आज से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एक्शंस की, कि आपको ट्रेनिंग लेनी कैसे है और आपको डे वाइज करना कैसे। इसके लिए मैंने डे वाइज पूरा एक शेड्यूल बनाया है। अगर आप इनके ऊपर चलेंगे तो आप टाइम पर एक्शन कंप्लीट कर पाएंगे, टाइम पर अपनी लर्निंग कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि जिन लोगों के पास ये एक्सेल प्लान नहीं होता है, उनके पास में वर्क का कोई सीक्वेंस भी नहीं होता है। इसलिए आप प्रॉपर वे में बढ़ें, सिस्टमेटिक तरीके से काम करें, इसके लिए मैंने पूरा एक्शन प्लान बनाया है जो डे वाइज है। वैसे तो मल्टीपल कोर्सेज हम लोगों ने आपको दिया हुआ है जिन्होंने ये कोर्स परचेज किया है, राइट। लेकिन मल्टीपल कोर्सेज है, इतना कंटेंट है, 400 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इनको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, हमें एक्शन कैसे लेना है। उसके लिए मैंने 30 डेज का पूरा एक्शन प्लान बनाया हुआ है जो आपको दिया हुआ है, और एक्शन प्लान को देखिए, उसी के लिए ये वीडियो है। तो आज जल्दी में मैं आपके लिए टी शर्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इन एक्शंस प्लान पे वर्क करेंगे तो आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको सफलता मिलने में डिले हो जाए, आपके एक्शंस में लेट हो जाए। ओके, तो चलते हैं हमारे माइंड मैप पर और आप प्रॉपर वे में समझेंगे कि ये एक्शन प्लान काम कैसे करता है। ओके, तो हम ये माइंड मैप पे आए हैं और अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि आपकी जर्नी कैसे रहने वाली है, जिसको मैंने डे बाई शेड्यूल किया है। तो यहाँ मैंने अभिकस मास्टरी लिखा है, लेकिन इसका मीन्स ये नहीं है कि केवल ये अभिकस के लिए। आपने कोई भी कोर्स परचेज किया हो, चाहे वैदिक मैथ हो या अभिकस हो या कोई भी प्रोग्राम हो, आपको इसी शेड्यूल से चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि आपके पास पर्याप्त स्टडी मटेरियल और किट आया है नहीं आया है। आपको अपना लॉगिन पासवर्ड भी चेंज करना है LMS का, राइट। आपको हमारी सारी कम्युनिटीज को ज्वाइन करना है, और मैं हमेशा न्यू न्यू कम्युनिटीज बनाता जाता हूँ ताकि मैं बेटर सर्विसेज दे पाऊँ, राइट। और मैं एक कम्युनिटी में 50 लोगों से ज़्यादा नहीं रखता हूँ एवरेज, ताकि मैं बेटर सर्विस दे पाऊँ। क्योंकि आज अगर मान लो एक ही कम्युनिटी को मैं लंबा रखूंगा तो मेरे सामने प्रॉब्लम ये आएगी, जो 1 ईयर पहले मेरे साथ कनेक्ट हुआ है ना, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, और जो आज कनेक्ट हुआ है ना, उसके क्वेश्चन का पूछने का लेवल अलग होगा। तो कंफ्यूजन्स ना आए, और इसलिए हमेशा मैं न्यू बैचेज का, नए लोगों का एक ग्रुप हमेशा अलग बनाता हूँ। तो आपको जो कम्युनिटी का लिंक दिया है ना आपके कोर्स के एक्सेस में, आपको वहीं से ज्वाइन करना है। इसके बाद आपको अपने रिसोर्सेज का भी अरेंजमेंट करना है। आपके पास लैपटॉप या PC होना चाहिए। अब तक हो सकता है आप मोबाइल का यूज कर रहे होंगे, मोबाइल में ही आप अपने कोर्स का एक्सेस कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको डिजिटल कोच बनना है, ऑनलाइन अपने बिजनेस को ले जाना है, तो आपके पास PC या लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको PC या लैपटॉप का अरेंजमेंट करना है। इसके साथ साथ आपको अपना एक ईयरफोन का यूज करना है, और नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठेंगे जब भी आप लर्निंग करेंगे, ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप नोट कर पाए। इसके साथ साथ आपको टेबल और चेयर का अरेंजमेंट करना है, और आप अपने घर के एक शांत एरिया में जाके आप अपनी लर्निंग करेंगे, तो बेटर तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, आपका डिस्ट्रैक्शंस कम होगा, राइट। इसके बाद आपको अपनी लर्निंग करना है, और लर्निंग का टाइम टेबल भी आप बना ले तो बेटर होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन वीडियो को वॉच करेंगे, सेकेंड डे नहीं करेंगे। तो अगर आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल आपने डिसाइड कर लिया, तो आपको वर्क करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब भी टाइम मिले आपको, नाइट में मिले तो नाइट में प्रैक्टिस कीजिए आप, लेकिन कम से भी कम 3 आवर्स का आपको प्लान बना के चलना है पर डे प्रैक्टिस का, राइट। और आपको स्टार्ट करना है लेवल 1 से। और अब आपको डे टू डे 3 में दिक्कत नहीं आएगा, को अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीडियोस को वॉच करना है और बुक्स में प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ अपनी नोटबुक भी बनाते जाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने खुद के कोर्स रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तब ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आने वाले। और यही करना है आपको, आपको टॉपिक को, वीडियोस को वॉच करना है, अपनी बुक में प्रैक्टिस करना है, और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इस प्रकार आपको 7 डेज केवल आपको अपना प्रोडक्ट, अपनी स्किल पे ध्यान देना है, चाहे आपने अभिकस का कोर्स लिया है या वैदिक मैथ का लिया है, वही करना है। ओके,
तो आपको अबेकस हो या वैदिक मैथ हो, आपको 4 लेवल अपने पहले कंप्लीट करना है, उसके लर्निंग करनी है, और जहाँ भी कोई डाउट आए वो आप हमें कॉल करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो वॉच करना है, बुक में प्रैक्टिस करनी है, और आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाएं तो 2 टाइम्स आपको ट्राई करके देखना है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको पहले अपना मेन जो कोर्स है आपका, जो भी स्किल है जिसे आप सेल करना चाहते हैं, जिसकी आप कोचिंग ओपन करना चाहते हैं, पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और आप 4 लेवल अपने कंप्लीट कर लें, अबेकस हो या वैदिक मैथ्स, ताकि आप नेक्स्ट वर्क में लग जाए। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पे हम लोग जाएंगे ब्रांडिंग एंड कोर्स क्रिएशन पे। अब आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंस्टीट्यूट का नाम फाइनल करना है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चला रहे हैं तो आपके सेंटर आपकी सिटी में किस नाम से जाना जाएगा पहले आपको वो फाइनल करना है। उसलिए आपको अपना इंस्टीट्यूट का नेम, आपको अपनी कंपनी का नेम, अपना लोगो और ट्रेडमार्क, ये तीनों चीज़ों को देख लेना बहुत ज़रूरी होगा। नेम हमेशा ऐसा लेना कि वो किसी और कंपनी का नहीं हो, या बहुत सिमिलर या मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको फ्यूचर में ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप नाम यूनिक रखें, अच्छा लोगो क्रिएट करें, क्योंकि लोगो जितना अच्छा होगा लोगों को याद रखना और अट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप अपना लोगो और लोगों में कोई स्लोगन लिखना है तो वो उसका डिज़ाइन कलर ये बहुत अच्छे से फाइनल कर लें। और आप ये लोगों को कहीं से भी बाहर से भी डिज़ाइन करा सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। इस लोगों को डिज़ाइन करने के लिए आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। कैनवा ओपन करते हैं और आप ये लोगो खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा से, राइट। और यहाँ आप सर्च करें लोगो, आप उस साइज को ले सकते हैं, इसमें कस्टम साइज भी कर सकते हैं, और कैनवा आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपके लोगो क्रिएशन में। अब आपको जो भी लोगो बनाना है, बहुत सारे डिजाइन्स हैं लेकिन सेम यूज नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन कर लेना है, राइट। जैसे मैंने इस लोगो को चूज किया है, अब ये लोगो है, आप चाहें तो आप इस लोगो का कलर कॉम्बिनेशन जो भी आप चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, और जो भी चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। और जैसे अबेकस ज्ञान, यहाँ पर कोई स्लोगन लिखना है तो वो स्लोगन भी लिख सकते हैं आप, और इसके साथ साथ कुछ और भी इसके साथ ऐड करना है, कोई डिज़ाइन, कोई ऑप्शन, कुछ और भी डिज़ाइन करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कुछ और डिज़ाइन लेना है तो आप ये डिज़ाइन ले सकते हैं, जैसे मैंने डिज़ाइन लिया है सर्किल का, राइट, और ये सर्किल का डिज़ाइन भी मैंने इसमें ले लिया। तो इस प्रकार आपको कुछ एडिट भी करना है, कुछ चेंज भी करना है। ये करने के बाद आप जाएंगे शेयर में, और शेयर में जाने के बाद आप डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, डाउनलोड करते समय आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेना है, ताकि PNG में आप अपनी फाइल को बना पाएँ और आप डाउनलोड करें। इस प्रकार आप अपना लोगो और डिज़ाइन करा सकते हैं, या खुद से भी कर सकते हैं कैनवा के अंदर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें, अपना कोर्स का नाम क्या रखें, तो आपको हमने पर अदर कोर्स दिए हैं उनको वॉच करना है। आपको पता है एडटेक स्टार्टअप ऑटोमेशन डिजिटल कोचिंग सिस्टम, ये हमने कोर्स दिया है जो 3 डेज का है, जिसे भी आपको कंप्लीट करना है। मैंने उसका डे नहीं लिखा है, केवल एक्शन का डे लिखा है, लर्निंग का डे नहीं लिखा है। इसका मीन्स है कि 3 डेज में आपको ये भी कंप्लीट करना है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में केवल हमारी स्किल, हमारा कोर्स को कवर किया, लेकिन अब उसको बिजनेस मॉडल में कैसे डेवलप करना है और किन किन टूल्स की जरूरत होगी हमें फ्यूचर में, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये कोर्स देखना पड़ेगा। आप जैसे LMS पे जाएंगे, इसके लिए आपको ये कोर्स दिया गया है, और इस कोर्स को आपको 3 डेज में कंप्लीट करना है। राइट, तो ये वाला कोर्स है जिसे आपको कंप्लीट करना है 3 डेज में, और ये आप देख सकते हैं डे वाइज क्या है, ये सारा लिखा हुआ है। कोड ऑफ बिहेवियर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आप जाएंगे और इस सारे जर्नी को देखें, आप डे 2 देखेंगे आप,
राइट, आपका निच क्या है, कैसे फाइनल करेंगे। ये निच मैंने इसलिए दिया है, अगर फ्यूचर में आपको किसी और फील्ड में जाना है, किसी और बिजनेस में जाना है, तो भी आप अपने निच को फाइनल कर पाए, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने इस कोर्स के अंदर केवल अबेकस को या वैदिक मैथ को ही मैंने टारगेट किया है, इसके साथ साथ अबेकस और वैदिक मैथ के अलावा मैंने वो सारी फील्ड ली है जो आपकी हेल्प करेगी आपके बिजनेस को आगे ले जाने में, या फ्यूचर में कोई नया प्रोडक्ट भी जोड़ना है आपको तो भी आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। एंड डे थ्री, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, राइट। तो इस प्रकार आपको ये कंप्लीट करना है 9 to 11 days, यानी आपको अब आपका कोर्स का नेम भी फाइनल करना है, कोर्स का स्ट्रक्चर रेडी करना है, और उसके लिए आपको नेक्स्ट कोर्स दिया गया है कैरिकुलम डिजाइन ब्लूप्रिंट, इस कोर्स को भी आपको कंप्लीट करना है आपको अपना कोर्स स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए, कि जब भी आप कोर्स बनाएंगे तो कोर्स को आपको 3 parts में डिवाइड करना है। जब भी कोर्स बनाएंगे तो आपको कोर्स को 3 parts में डिवाइड करना है। एक आपको फ्री कंटेंट बनाना, चाहे स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं या टीचर के लिए बना रहे हैं, ताकि लोग आपके कंटेंट को देखें, आपको देखें, आपके टीचिंग मेथड को देखें, तब आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट लेने को रेडी हो जाएंगे। तो एक पूरी पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, आपको फ्री कंटेंट देना पड़ेगा, कुछ अफोर्डेबल या कम प्राइस का प्रोडक्ट देना पड़ेगा, 299, 599, इसके बाद आपका मेन एक्शन प्लान होना चाहिए और आपके मेन कोर्स होना चाहिए जो आप लोगों को देना चाहते हैं। तो 3 layers हो गया, फ्री कॉन्टेंट, अफोर्डेबल या कम प्राइस का, एंड थर्ड आपका मेन प्रोग्राम्स, राइट। पर याद रखिएगा कि मेन प्रोग्राम भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोज के फॉर्मेट में ही देना है, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके पास टाइम बहुत हो, लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, नंबर ऑफ आपके पास ट्रेनर्स होते हैं, तो हर व्यक्ति को आप अपना पर्सनल टाइम नहीं दे सकते, इसलिए आपको अपना कोर्स को रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्डेड वीडियोस देने हैं और केवल उनके डाउट्स को क्लियर करना है। अगर आप लाइव पढ़ाने चले गए ना सारे टॉपिक्स को, तो आपका टाइम बहुत जाएगा, लेकिन फिर भी मैं हर टीचर को बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको एवरेज 20 लोगों को तो लाइव क्लास ही लेना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और जो भी आप लाइव पढ़ाएंगे ना उसको जूम के ऊपर जब भी पढ़ाएंगे उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, तो वो आपका कोर्स भी बन जाएगा। मैंने मोस्ट ऑफ कोर्स मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किए हैं कि मैं लाइव क्लास लिया मैंने और उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइफ टाइम ही लाइव क्लास लेना है, वरना कभी भी आप अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे, आप ऑपरेशंस में फंस जाएंगे। आपको पता है कि मैंने 3000 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, अगर मैं उनकी प्रॉब्लम लाइव सॉल्व करने लग जाऊं या मैं उनके साथ फोन पर लगातार लग जाऊं, तो मैं अपना बिजनेस को कभी बड़ा नहीं कर सकता, बस उनकी ही सर्विस में मेरा टाइम निकल जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ, आप चाहे तो मेरी तरह एक 4th level भी बना सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे का कोई इशू नहीं है, वो आपसे आपका पर्सनल टाइम चाहते हैं, वो टाइम बैठकर आपके साथ बात करना चाहते हैं, उसके लैंडिंग पेज सारा काम वो आपसे कराना चाहते हैं, तो आप उनसे ज्यादा पैसा ले सकते हो, क्योंकि आप उन्हें पर्सनल सर्विसेज दे रहे हो, अपना पर्सनल टाइम दे रहे हो, इसलिए। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 3 ही level पे काम करना है, और मैं कहता हूं कि 3 की जगह आप 2 level भी बनाएंगे तो भी चलेगा, एक फ्री कंटेंट एंड सेकंड आपका मेन प्रोडक्ट, और इसकी फॉरेशन के लिए कैरिकुलम डिजाइन ब्लूप्रिंट जो मैंने कोर्स दिया है उसको फॉलो करें। राइट, तो ये आपका प्रोग्राम है कैरिकुलम डिजाइन ब्लूप्रिंट, इस पहले प्रोग्राम को फॉलो करें, आपको कोर्स का स्ट्रक्चर, स्टेज ऑफ फनल्स, बहुत कुछ नॉलेज होगा। ओके, क्लियर। तो अब नेक्स्ट है, पहले मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन नजर आए। तो हम देखें नेक्स्ट आपको क्या एक्शन लेना है। अब आपको अपना मिशन, अपना निच फाइनल करना है और अपनी एक स्टोरी क्रिएट करनी है। स्टोरी इसलिए ताकि आप हर वीडियो में यही स्टोरी को बार बार रिपीट करेंगे। आपने देखा होगा कि मैं अपने कई बार अपनी स्टोरी को शेयर करता हूँ, हाय आई एम ललित शर्मा, फाउंडर ऑफ दिस 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 एंड माय मिशन इज दैट, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि मैं बहुत बहुत हर वीडियो में अपना मिशन बोलता हूँ।
आपको ये मिशन बोलना है, अपना निश फाइनल करना है और अपनी एक स्टोरी बनानी है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको निच क्लैरिटी ब्लू प्रिंट में जाएंगे, प्रोग्राम्स को, इस ट्रेनिंग को पूरा देखिए। ये भी ट्रेनिंग का मैंने आपको दिया है निच क्लैरिटी ब्लू प्रिंट, आपको बहुत आइडिया लगेगा कि आप अपनी स्टोरी कैसे क्रिएट करें और आपको अपना मिशन, अपना निच और अपनी स्टोरी बोलते हुए आपको 1 से 2 मिनट का एक वीडियो बनाना है और वीडियो आपको सिंपल अपना मोबाइल से ही बनाना है और आपको सिंपली उस वीडियो को आप हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर करें और फेसबुक में शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट, ताकि मैं चेक कर पाऊंगा और मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे पाऊंगा कि आपने वीडियो में और क्या मिस्टेक की है। तो आपको केवल 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाना है और सिंपल अपना मोबाइल का यूज़ करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको सिंपल अपना एक मोबाइल लेना है और मोबाइल लेते हुए आपको इस प्रकार से बोलना है और रिकॉर्डिंग करना है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको एडिटिंग का आना चाहिए, नहीं। कैसे? हाय, आई एम ललित शर्मा, फाउंडर ऑफ स्टार्टअप ऑटोमेशन हब एंड अबेकस ज्ञान, और मैं एक मिशन पे हूँ, मुझे नेक्स्ट 2 ईयर में 1 लाख डिजिटल कोर्स प्रिपेयर करना है जो फाइनेंशियल फ्री हो सके। आपने देखा, मैंने अपना मिशन, अपना स्टेटमेंट केवल मोबाइल से बोला। इस प्रकार से मेरे कई सारे, हम लोग अलग अलग स्टोरीज बनाते हैं, कभी बच्चों के लिए बनाएंगे तो हमारा स्टेटमेंट अलग होगा, टीचर्स के लिए अलग होगा, स्कूल्स के लिए अलग होगा। तो इस प्रकार से आपको भी सिंपल मोबाइल का यूज करते हुए 1 से 2 मिनट का आपको वीडियो बनाना है और आपको फेसबुक ग्रुप में शेयर करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं, राइट, और आप वो कंटेंट भी अपने कीवर्ड में रिसर्च करना है और ये कहाँ से करना है आपको पता है, आंसर द पब्लिक वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ पर आपको अपना कोर्स से रिलेटेड टॉपिक को आप सर्च करेंगे। जैसे मैंने अभी कैसे वैदिक मेथड को सर्च करते हैं, ऐसे आप कोई भी टॉपिक को सर्च करेंगे और देखेंगे बहुत कॉन्टेंट और कीवर्ड्स आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, आपको ऐड बनाने के लिए अपनी वेबसाइट पर, लैंडिंग पेज पर आपको आपका फोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपको अच्छे अपने फोटो भी शूट कराने हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपका फोटो ऐसा होना चाहिए जो आपके मिशन और ऑब्जेक्ट को दिखाता हो, आप लोगों को क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं वही आपको फोटो लेना है। जैसे आप स्टूडेंट को टीच करते हुए फोटो ले सकते हैं, आप अकेले से इंडिविजुअल काम करते हुए फोटो ले सकते हैं, आपका मिशन क्या है उसके बेस पर ही आपके फोटो बनेंगे, उसी के बेस पर आपके माइक्रो वीडियोस बनेंगे। इसलिए आपको किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करके आपको अपने 8 से 10 अलग अलग पोजिशन में फोटो आपको शूट कराना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी कितनी सारी फोटोज़ को शूट कराया हुआ है। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप विदाउट ऑफिस और स्टाफ अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से रन कर सकते हैं, तो इसी बात को डिस्प्ले करते हुए मैंने अपनी फोटोज़ को शूट कराया, राइट। तो इस प्रकार से आपको अपनी फोटोज़ को आपको शूट कराना है जो आपको आपके एड के अकॉर्डिंग चाहिए, राइट, और अच्छे फोटोग्राफ लेना, अच्छे पिक्सल में लेना, ताकि आगे अच्छे आपको सहूलियत मिले। इस प्रकार से आप प्रोफेशनल फोटोज भी आप लगाएंगे। तो याद रखिएगा, जब तक आप अच्छे अपने प्रोफेशनल फोटोज नहीं निकालेंगे ना, तो आप एड में यूज कैसे करोगे आप? ये सब चीजें मुझे बहुत बाद में समझ में आई। जब मैं ऐड बनाने लगा तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पास तो कुछ प्रोफेशनल ऐसे फोटोज ही नहीं है, केवल मोबाइल से लिए हुए फोटोज हैं जिनका पिक्सल्स अच्छा नहीं होता था। तो इस प्रकार आपको भी अपना फोटो शूट कराना है और उसके बाद आपको अपने वेबसाइट पर, लैंडिंग पेज पर एड्रेस क्या देना है, उसका ऑफिस का एड्रेस, आपको अपना एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना है जो केवल इसी बिजनेस के लिए हो, या आप चाहे तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने या मैंने ली हुई है info@abhikasgyan.com, lalit@abhikasgyan.com। इस प्रकार से आपको अपना ब्रांडेड ईमेल आईडी भी लेना चाहिए, या अगर नहीं है तो स्टार्टिंग में आप अपना नॉर्मल ईमेल आईडी से भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक न्यू ईमेल आईडी होना चाहिए जो आपकी कंपनी, आपकी फर्म के अकॉर्डिंग हो। और आपको एक नया अपना मोबाइल नंबर लेना है, अपने एग्जिस्टिंग मोबाइल को ही अपने बिजनेस में इंक्लूड मत कीजिएगा, या अगर कोई पुराना आपका कोई बिजनेस है तो वो नंबर भी आप यूज मत कीजिएगा, आप इसके लिए एक नया नंबर लें। ये आपको डे 16 और 17 में कर लेना है, फोटो,
अपना ऑफिस का एड्रेस। हाँ याद रखिए, अगर आपको लगता है कि आप घर से काम कर रहे हैं, आपका कोई सेंटर ऑफिस नहीं है, तो आप ऑफिस का जो एड्रेस है अपना घर का एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पर कोई विजिट करने नहीं आएगा फिजिकली अगर आप ऑनलाइन चला रहे हैं तो, राइट। हाँ अगर ऑफलाइन चला रहे हैं तो डेफिनेट आपके पास कोई ना कोई सेंटर या ऑफिस तो होगा ही, क्लियर। और इसके साथ साथ आपको अपना फोटोज को यूज करते हुए फेसबुक कवर पेज भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा। आपको अपने फेसबुक पेज बनाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया के अलग अलग जगह पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपको अपना बिजनेस के लिए एक फेसबुक पेज अलग बनाना पड़ेगा, पर्सनल अलग बनाना पड़ेगा, आपको फेसबुक ग्रुप और कम्युनिटी का एक ग्रुप अलग बनाना पड़ेगा। तो आपको टू पेज बनाना है, एक बिजनेस का पेज होना चाहिए, एक आपका पर्सनल पेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कम्युनिटी या एक फेसबुक ग्रुप होना चाहिए जहां पर आपके कस्टमर्स आपके साथ कनेक्ट रहे, अपने डाउट को पूछ पाए। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पेज है, अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए। और आप जानते हैं फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है, बहुत सिंपल है, जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बिजनेस का पेज है अभिकस ज्ञान का, राइट। तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपको डिजाइन करना पड़ेगा आपका कवर पेज। मैं अपना दिखा देता हूँ पर्सनल, ये है ललित शर्मा के नाम से। तो इस प्रकार से आपको जो भी डिजाइन्स बनानी है वो कैनवा में ही बनानी है, और आपको आपका कवर पेज भी इस प्रकार डिजाइन करना है जो आपको, जिसमें आपको फोटो लगा होना चाहिए, जैसे कि आप कंपनी के साथ साथ आपका अपना पर्सनल ब्रांडिंग भी हो सके, राइट। और सिंपल बात, अगर आपको फेसबुक पेज बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में हजारों वीडियो हैं सर, आप 5 मिनट में सीख जाएंगे। आप जैसे अपने प्रोफाइल पर लॉगिन होंगे ना, वहां पर क्रिएट पेज के नाम से लेफ्ट साइड में ऑप्शन आएगा, आप जाके अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको वहां पर एक कवर पेज बनाना है, उसके लिए आपको कैनवा का यूज करेंगे। जैसे कैनवा को ओपन करेंगे आप वो बहुत अच्छे से क्रिएटिव डिजाइन बना सकते हैं। जैसे फेसबुक कवर के लिए फेसबुक कवर का एक अलग ही ऑप्शन आता है कैनवा में, जिसका यूज करते हुए बहुत क्रिएटिव डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ओपन करेंगे बहुत सारे पहले से बनी हुई डिजाइन आपके पास आ जाएगी, तो जो भी डिजाइन आपको लेनी है ना वो डिजाइन आप ले सकते हैं, राइट। जैसे मुझे ये डिजाइन लेनी है तो इस पे क्लिक किया और ये डिजाइन आ जाएगा। इसके बाद जो भी आपको फोटोज, कीवर्ड, अपना लोगो लगाना है बहुत अच्छे से लगा सकते हैं आप। आपको अपने अपलोड में जाएंगे लेफ्ट साइड में, और अपलोड में जाकर आप जो भी वीडियो फाइल जो भी अपने पेज पर लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे अपना फोटो लगाना है तो मैंने फोटो सेलेक्ट किया, ये मैंने पहले से अपलोड है। अगर अपलोड नहीं हो तो अपलोड फाइल में जाकर आप अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो इसको तो हम लोग डिलीट करेंगे और यहाँ पर हमारा कवर पेज लग जाएगा, राइट। और इसके बाद आपको जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे कवर पेज बना सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो जो भी लोगो लगाना है, बनाना है डिजाइन्स, वो आराम से बना सकते हैं। तो सिंपल बात, आपको अपना फेसबुक ग्रुप बनाना है, पेज बनाने हैं, और डिजाइन के लिए आप कैनवा का यूज करेंगे। सिंपल है, आप मोस्ट ऑफ इन चीजों को जानते भी होंगे। और इसके अलावा आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए आपको कॉन्टेंट भी रेडी करना है। और याद रखिएगा आपकी वेबसाइट पे 4 टैब होने चाहिए, होम पेज, अबाउट मी, और आपका कोर्स और कंटेंट डिटेल। इसलिए मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस ये पहले ही फाइनल करना है ताकि यहाँ पर आप डिटेल लिख सके। और इसके साथ साथ आपको कॉन्टेक्ट में आपका फेसबुक का पेज, आपके व्हाट्सएप नंबर, ये सारे नंबर देने होंगे। इसके लिए ये सब चीजें पहले ही आपको रेडी करनी है ताकि वेबसाइट बनाते समय प्रॉब्लम नहीं आए। और आप कौन कौन से कोर्स रन करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया आपको 3 कोर्स होंगे, फ्री, कम प्राइस वाला जैसे ट्रिपवायर कहते हैं, और नेक्स्ट आपका मेन कोर्स। तो इस कोर्स को आपने पहले ही डिजाइन कर लिया है, राइट। तो इसलिए आपको कैरिकुलम के अंदर पहले फाइनल कर लिया है, तो वो कोर्स कौन कौन से होंगे वो आपको अपनी वेबसाइट पे लिखना होगा, उनकी प्राइस भी लिखनी होगी, आपको आपके बारे में बताना होगा। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपना मिशन, अपना निच, अपनी स्टोरी पहले ही फाइनल कर ले, अपने सारे फोटो पहले ही शूट कर ले, ताकि आप अपने बारे में बताते समय उन फोटोज को, उन स्टेटमेंट्स को यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मेरी एक न्यू वेबसाइट में डिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बिजी होने की वजह से अभी मैंने इसको पूरा काम नहीं किया है।
www.sapaltazhaldimilitary.com राइट। अब आप देख सकते हैं कि आपके अगर पहले से फोटो है तो बहुत आसान होगा डिजाइन करना के लिए। तो इस प्रकार आपका मिशन पहले से फाइनल होना चाहिए, आपके फोटोज होने चाहिए, बैकग्राउंड में क्या लगाना है, ये सारा डिटेल आपको पहले से फाइनल कर लेना है। ये सारे सोशल मीडिया के लिंक यानी सारे ग्रुप्स आप पहले बना लेंगे ताकि आप अपने पेज पर अपने लिंक दे सके। क्लियर। और आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है क्योंकि सुबह से मेरे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आज ही मुझे शूट करना था ताकि आप लोगों को प्रॉपर में भी समझ में आए। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको पेपर पर रेडी करना है, जरूरी नहीं है कि वेबसाइट अभी बनानी है। वेबसाइट तो अभी हमने सीखी ही नहीं है, अभी हम लोग टेक्निकल चीजों पर गए नहीं है राइट। लेकिन इसका कॉन्टेंट तो आपको पहले से रेडी करके रखना पड़ेगा ताकि काम करना हमारे लिए बाद में आसान हो जाए। और इसके लिए आप अपनी नोटबुक का यूज करेंगे, रफ नोटबुक बनाएंगे, उसमें एंट्री करेंगे। अब आपको अपने एक स्ट्रेटेजी शीट फिल करनी है जो मैंने लिंक दिया है। और क्या क्या डिटेल लिखना है वो बता देते हैं। पहले आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, उसका स्लोगन क्या है और लोगो बना लिया है क्या। इसके बाद आपने अपना कोर्स का नाम क्या रखा है, फ्री कोर्स का नाम क्या रखा है, ट्रिप वायर का क्या रखा है और मेन कोर्स का क्या रखा है। ये तीनों चीजें आपको पहले फाइनल कर लेनी है जैसे हम लोगों ने किया हुआ है राइट। इसके बाद आपका मिशन क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, आपको अपने कोर्स से रिगार्डिंग कुछ कीवर्ड आपको निकाल के यहाँ टाइप करके रखना है। इसके अलावा फेसबुक, आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपका फेसबुक पेज क्या है, कौन कौन से ग्रुप्स है, ये सारी एंट्री आप इस एक्सेल शीट में एंट्री करके रख लेंगे तो आगे वर्क करना आसान हो जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट अब आएगा कोर्स रिकॉर्डिंग। अब आपको अपना कोर्स रिकॉर्ड करना है। कोर्स रिकॉर्डिंग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कोर्स रिकॉर्ड करते समय आपको कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स, माइक, वेबकैम, लाइट, सारे फिजिकल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपको रिकॉर्ड करने से पहले कुछ प्रिपरेशन करनी है। वो प्रिपरेशन क्या है तो हम लोग देखें कि आपको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होगी। एक तो लाइटिंग चाहिए, आपको रिंग लाइट चाहिए और इसके साथ साथ आपको पीसी चाहिए, एक वेब कैम होना चाहिए या आप स्टार्टिंग में मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं या DSLR होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं और आपको ये सारे सॉफ्टवेयर चाहिए कि आप जब भी आप टीचिंग करेंगे तो OBS स्टूडियो, आप देख रहे हैं सारे रिकॉर्डिंग हमारा OBS पे ही हो रही है। और आपको अपने वीडियो को एडिट करना है तो ओपन शॉट वीडियो एडिटर है जिसके थ्रू आप अपनी वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो वॉन्डरशेयर फिल्मोरा का भी यूज कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। लेकिन ओपन शॉट जो वीडियो एडिटर है ये फ्री सॉफ्टवेयर है जो फ्री आप डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं कि हमारे वीडियो में, हमारे ट्रेनिंग के वीडियो में बीच बीच में इमेजेज आते हैं, वीडियो जाते हैं, तो वो सारे वीडियोज स्टॉक वीडियोज होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकते हैं। आप pixel.com पे जाएंगे, जो आप कंटेंट टीच करने वाले हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड वीडियोज यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको अपना मेन जो कॉन्टेंट है उसके लिए पहले रो मेटेरियल यानी आपको नोटबुक में सारी प्रिपरेशन करना है, आपको सारे गाइडलाइन लिखनी है, सारे पॉइंट लिखना है, उसकी PPTs बनानी है और PPTs के बाद आपको अपना माइंड मैप, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ इस प्रकार आप भी माइंड मैप का यूज कर सकते हैं। और आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई टूल्स चाहिए, कोई इमेज चाहिए, कुछ वीडियो चाहिए, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका वीडियो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए कि आपका जो वीडियो होगा वीडियो के पीछे का बैकग्राउंड कैसे होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत फैंसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आजकल लोगों को पता है कि फैंसी बैकग्राउंड आप 2000 रुपये में भी तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग्स आती है, अच्छे अच्छे टेक्सचर्स आते हैं, वॉलपेपर्स आते हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा डिजाइन आप मत लीजिएगा पीछे, आप केवल प्लेन वॉल पे भी आप कर सकते हैं। और आपको पता है कि जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये मेरे घर का ही एक रूम है, क्योंकि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब मैंने अपना स्टूडियो अपने ऑफिस से अपने घर पे ही शिफ्ट किया। उसके बाद से मैं अपने सारे वीडियोज अपने घर पे ही शूट करता हूँ और नाइट को शूट करता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, शोरगुल नहीं हो, ट्रैफिक का शोरगुल नहीं हो
राइट। तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ काम नाइट में करता हूँ। अब नाइट में तो ऑफिस हम लोग जा नहीं सकते, इसलिए मैंने घर का ही एक रूम को अपना एक रिकॉर्डिंग रूम बना लिया है। तो कुछ नहीं करना है, एक सिंपल बॉल होना चाहिए पीछे, प्लेन बॉल, चाहे व्हाइट हो कोई भी कलर की हो चलेगा, राइट। और आप सिंपल अपनी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि अगर दीवार अच्छा नहीं है तो आप वॉलपेपर्स है, कुछ डिजाइंस है, कुछ फोटोज है, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कोर्स को रिकॉर्ड करने से पहले की प्रिपरेशन है कि आपके पास लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, लैपटॉप कैसा होना चाहिए, वेबकैम कैसा होना चाहिए, माइक कैसा होना चाहिए, ये सब आपको प्रिपरेशन पहले ही कर लेनी है। इसके अलावा आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको अपने पीसी में होने चाहिए। आपको क्या टीच करना है, पहले रॉ मटेरियल तैयार करेंगे, रॉ डाटा तैयार करेंगे, फिर आप पीपीटीज बनाएंगे, माइंड मैप बनाएंगे, वीडियो इमेज को कलेक्ट करेंगे pixel.com से और अपना बैकग्राउंड रेडी करेंगे। उसके बाद आप अपना कोर्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। और कोर्स रिकॉर्डिंग के ऊपर तो मैं आपका एक अलग से ही सेशन लेने वाला हूँ, राइट। तो ये कोर्स रिकॉर्डिंग के लिए मैं अलग से ही टॉपिक लूंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग केवल 30 डेज तक का ही मैंने आपको प्लान बताया है, और 30 डेज के बाद जो नेक्स्ट प्लान है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तो मुझे कोर्स ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।